गुड गुड इवनिंग इवनिंग ऑल ऑफ यू ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर चलिए बच्चों लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी थी आपको और बिगनर बॉक्स सिक्स करने के अटेम्प्ट करने के लिए दिया था सॉल्यूशन भी सेंड कर दिए हैं ठीक है बच्चों कल डाउट क्लास रहेगी अपनी उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो वैसे तो हो गया होगा बिगनर बॉक्स सिक्स आसानी से ठीक है चलिए अब लिखें टेग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम ऑफ मोर देन टू एंगल्स टेग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम ऑफ मोर देन टू एंगल्स ignometric ratios of, of sum of more than two angles ignometric ratios of sum of more than two angles ओके okay. so, तो जैसे कि साइन ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी साइन ए प्लस बी प्लस तो हमें आइडेंटिटी बनाना बना सकते हैं आप क्या करो इसको साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस सी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस प्लस ठीक है साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू साइंस समझ में आ गया कि बच्चों किस तरह से बना सकते हैं हम क्लियर है सभी को अब और मल्टीप्लाई कर दे है ना तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं रिक्वायरमेंट होगी तो हम मल्टीप्लाई कर सकते साइन ए प्लस बी प्लस सी इसी तरह अगर हमें A plus B plus C, तो हम इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस सी कॉस ए प्लस बी A, इसको ए रीड किया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी राइट कॉस ए प्लस बी को माइनस साइन ए साइन बी एन टू कॉस सी माइनस साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी इंटू कॉस ए कॉस बी प्लस कॉसे साइन बी इंटू सी राइट बच्चों कंप्लीटेड नोट करेंगे अब मैं टेन की आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाए इस तरह से अगर हमें मोर देन टू एंगल्स के टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू की रिक्वायरमेंट हो तो हम इस तरह से कंपाउंड एंगल फॉर्मूले की हेल्प से उसको पहले टू इसको एक काउंट कर लेंगे तो ये एंगल ए हो गया और ये बी तो ए प्लस बी साइन ए प्लस बी टू एंगल्स के सम की आइडेंटिटी से ही आगे प्रोसीड कर सकते हैं यस yes, नोट कर लें अब हम मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टेन टेन का फॉर्मूला देखना है मोर देन टू एंगल्स है ना तो उसमें टू एंगल्स थ्री एंगल्स फोर एंगल्स फाइव एंगल्स इग्नोमेट टेन ऑफ सम ऑफ मोर देन टू एंगल्स तो एन एंगल्स के लिए लिखेंगे फॉर्मूला ठीक है सक्षम है ना तो आप रिकॉर्डिंग से अगर रिक्वायरमेंट हो तो रिकॉर्डिंग की हेल्प लेना ठीक है सक्षम जितना आपसे हो सकता है उतना अभी लिखें ओके चलिए हो गया सभी का वेद ही कंप्लीटेड ओके चलिए अब देखिए टेन का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं फॉर एन एंगल्स टेन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा टेन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस एंड सो ऑन थीटाइन एन एंगल्स के सम सम ऑफ समिमेट्रिक टेन टिग्नोमेट्रिक रेशियो में पर्टिकुलर टेन टेन ऑफ एंगल्स तो देखें ध्यान से एस वन माइनस एस थ्री अल्टरनेट प्लस माइनस एस फाइव माइनस एस सेवन एस सेवन अपॉन वन माइनस एस टू माइनस एस फोर प्लस एस सिक्स माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस ये माइनस हाँ फॉर्मूला याद रखें एस वन माइनस एस थ्री प्लस एस फाइव माइनस एस सेवन अपॉन वन माइनस एस टू प्लस एस फोर अल्टरनेट था माइनस एस सिक्स प्लस ठीक है बच्चों वेयर हा एस वन क्या है सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एन एंगल्स सम ऑफ टेंजेंट्स अलग अलग टेंजेंट इन एन एंगल्स टेन थीटा वन टेन थीटा टू प्लस टेन थीटा थ्री प्लस एंड सो ऑन टेन थीटा एन राइट फिर एस टू क्या होगा एस टू क्या होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ टू एंगल्स सम ऑफ टेंजेंट ऑफ टू एंगल्स हाँ मुकुल वही बता रहा हूं देखो एस टू का मतलब टेन थीटा वन टेन थीटा टू प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा थ्री प्लस टेन थीटा एन माइनस वन टेन थीटा एन राइट एस थ्री 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 एंगल्स प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ थ्री एंगल्स टेकन एट अ टाइम टा टू टेन थीटा थ्री टेन थीटा फोर प्लस टेन थीटा एन माइनस वन एन माइनस टू टेन थीटा एन माइनस वन टेन थीटा एन अब अगर हमें इसी तरह प्रोडक्ट एस एन लिखना हो तो क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एन एंगल्स टेन टेन थीटा टू एंड सोन टेन थीटा समझ में आया क्या एस वन एस टू एस थ्री एस एन समझ में आया सभी को एस वन एस टू एस थ्री जैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में हम लिखते हैं

एंगल्स हाँ, हैं तो क्या क्या एस वन डिफाइन होगा और वन माइनस एस टू डिफाइन होगा एस वन मतलब टू एंगल ही पर तो उनके दोनों एंगल्स के टेंजेंट्स का सम वन टेन थीटा टू डिडेड बाई वन माइनस एस टू मतलब टू एंगल्स का ही है तो एक साथ प्रोडक्ट आ जाएगा टेन थीटा वन इंटू टेन थी समझ में आई क्या कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई किया है सभी को समझ में आया इस फॉर्मूले को किस तरह हमने अप्लाई किया है? चलिए जल्दी नोट करें तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर थ्री एंगल्स और फोर एंगल्स का फॉर्मू के सम का टेंजेंट और लिखू सम उफ, आ, उफ, सम उफ, थ्री एंगल्स एंड फोर एंगल्स सम ऑफ टेंजेंट ऑफ थ्री एंगल्स एंड फोर एंगल्स हो गया कंप्लीट आर्यन ठीक है बच्चों सभी का हो गया है आदित्य जोशी आदित्य जोशी हैं क्या क्लास में ठीक है समझ में आया क्या आदित्य चलिए मैं थ्री एंगल्स और फोर एंगल्स के सम के लिए और लिख रहा हूं देखें ध्यान से टेन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री हाँ तो क्या बनेगा आइडेंटिटी थ्री तक डिफाइन होगा तो एस वन माइनस एस थ्री अपॉन वन माइनस एस टू हाँ तो एस वन माइनस एस थ्री एस वन मतलब टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू प्लस टेन थीटा थ्री माइनस एस थ्री मतलब प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ थ्री एंगल्स टेन थीटा वन टेन थीटा टू डिवाइडेड बाय टेन थीडनस एस टू एस टू मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ टू एंगल्स टेकन एट ए टाइम तो प्लस में आना है लेकिन ये माइनस है तो तीनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे टेन थीटा वन टेन थीटा टू प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा थ्री प्लस टेन थीटा थ्री टेन थीटा वन और मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस राइट चलिए थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर फोर एंगल्स क्या आ जाएगा एस वन माइनस एस थ्री अपॉन वन माइनस एस टू प्लस एस फोर समझ में आए एस वन मतलब टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू प्लस टेन थीटा थ्री प्लस टेन थीटा फोर माइनस एस थ्री मतलब क्या होगा थ्री थ्री एंगल्स के टेंजेंट्स का प्रोडक्ट है ना फोर में से थ्री लेना है तो टेन थीटा वन एस थ्री लिख रहा हूं टेन थीटा टू टेन थीटा थ्री फोर टर्म्स आएंगी प्लस टा वन माइन प्लस है ना माइनस तो बाहर कर टेन थीटा फोर टेन थीटा वन टेन थीटा टू राइट डिवाइडेड बाय वन माइनस एस टू एस टू मतलब टेन थीटा वन टेन थीटा टू सिक्स टर्म्स आएंगी वन टू फिर टू थ्री फिर थ्री फोर फिर फोर वन फिर वन थ्री नेक्स्ट टू फोर ये कंप्लीट माइनस प्लस एस फोर एस फोर मतलब फोर एंगल्स के टेंजेंट्स का प्रोडक्ट टेन थीटर टू टेन थीटर थ्री टेन थीटर फोर समझ में आया क्या फॉर्मूला पूरा लिख के बताया मैंने एस वन ये एस वन है S3, S3 में फोर टर्म है minus, S2 में सिक्स टर्म्स ये से है ना तो ये फॉर्मूला जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हमें क्लिक करके अप्लाई करना है है ना जब आप एक्सरसाइज वन टू करेंगे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज की तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसके एक्सरसाइज में इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो नेक्स्ट ईयर ट्वेल्थ में टॉपिक होता है इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें भी इस फॉर्मूले को यूटिलाइज कर सकते हैं कंप्लीटेड तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में जब भी रिक्वायरमेंट होगी चलिए हाँ आशीष सोनी जल्दी नोट करें यस yes. मैं वेट कर रहा हूं आप लोग नोट करें फास्ट नोट करेंगे नहीं हर्ष रहेगी रिक्वायरमेंट भाई वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड है भाई देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया तो रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन नहीं आया मान लो किसी पर्टिकुलर टेस्ट में या पेपर में तो आप बोलेंगे रिक्वायरमेंट नहीं और क्वेश्चन आ गया तब तो रिक्वायरमेंट रहेगी हाँ आपको थर्ड अक्टूबर को टेस्ट है थर्ड ऑफ अक्टूबर थर्ड ऑफ अक्टूबर को टेस्ट है उस टेस्ट में टीआरआई तक कंप्लीट आ रहा है ये चैप्टर हमारा आ, कल कंप्लीट हो जाएगा है ना कल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा कल नहीं तो एक लेक्चर और कंप्लीट हो जाएगा है ना मोस्ट प्रोबेबली कल कंप्लीट हो जाएगा ओके okay, हो गया सभी का कंप्लीटेड आगे बढ़े मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग टेग्नोमेट्रिक फंक्शंस फंक्शंस और उसी के प्लेस पर कई जगह लिखा रहता है एक्सप्रेशन टेग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सप्रेशन मैक्सीमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सप्रेशन वैभव मैं बोल चुका हूं मैंने इतनी बार पूछा तब भी आप तब नहीं बोल पाए चलो देख लो जल्दी से जल्दी वैभव मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सप्रेशंस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक्सप्रेशंस गिवन होगा तो हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना होगा या उसी को हम मैक्सिमम और मिनिमम के इंटरवल को ही क्या बोलते हैं रेंज रेंज भी फाइंड करना हो गया ना तो 4-5 मेथड्स हैं आप देखेंगे फर्स्ट केस को हम यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ Boundedness did using the properties of properties of using the property of bounded. टेग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बाउंडेस द बाउंडेडनेस ऑफ टेग्नोमेट्रिक फंक्शन सम टेग्नोमेट्रिक फंक्शन आर बाउंडेड बाउंडेड मीन मैक्सिम और मिनिमम वैल्यू फाइनाइट होती है फॉर एक्साम्पल साइनेक्स

साइन स्क्वेयर एक्स की रेंज बताएंगे साइन स्क्वेयर एक्स की रेंज जीरो टू वन बिल्कुल सही सिमिलरली कॉस एक्स माइनस वन टू वन कॉस स्क्वेयर एक्स जीरो टू वन हाँ टेन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी टेन स्क्वेयर एक्स जीरो टू इन्फिनिटी है ना तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज हैं

है ना और उस मैक्सिमम और मिनिमम के इंटरवल को ही क्या बोलते हैं रेंज फर्स्ट क्वेश्चन ए कर देते हैं इलेवन प्लस थ्री कॉस एक्स और बी टेन माइनस टू साइन एक्स हा बताएंगे इलेवन प्लस थ्री कॉसेक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना हाँ तो देखो सबसे पहले तो आप ये जो एक्सप्रेशन है इसको वाई से डिनोट कर लें नाउ वी हैसेक्स की रेंज बताए माइनस वन से प्लस वन कॉस एक्स की रेंज माइनस वन से प्लस वन राइट फोर्टीन और एट बिल्कुल सही है हाँ कॉसेक्स में थ्री का मल्टीप्लाई थ्री कॉसेक्स कहां से कहां तक लाई करेगा माइनस थ्री से प्लस थ्री हाँ बच्चों देखेंगे यहां हाँ उसमें इलेवन ऐड करना है इलेवन प्लस थ्री कॉस तो इलेवन ऐड किया यहाँ पर इलेवन प्लस थ्री इलेवन माइनस थ्री तो क्या हो गया एट ये बन गया आपका वाई ये बन गया इलेवन प्लस थ्री थर्टी थ्री फोर्टीन तो मैं वाई की मिनिमम वैल्यू एट मैक्सिमम फोर्टीन रेंज वाई बिलोंग्स टू एट टू फोर्टीन क्या सबको समझ में आया क्या क्लोज्ड इंटरवल अच्छा क्लोज्ड इंटरवल एट टू फोर्टीन क्या फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आया ये हा नेक्स्ट बता रहे हैं टेन माइनस टू साइन एक्स टेन माइनस टू साइन एक्स विदुषी सेंगर विदुषी टेन माइनस टू साइन एक्स रेंज बताना है हाँ हर्ष आपने लिखा है ट्वेल्व एट ट्वेल्व मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू टेन माइनस टू साइन एक्स हर्ष टेन माइनस टू साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ट्वेल्व है मैक्सिमम ओके okay, बिल्कुल एट टू ट्वेल्व बिल्कुल सही तो देखें इसमें ध्यान से देखेंगे वाईल्स टू टेन माइनस टू साइन एक्स ले लिया इसको हाँ तो देखो साइन एक्स की रेंज बताओ माइनस वन टू प्लस वन उसमें माइनस टू का मल्टीप्लाई माइनस टू साइन एक्स या पहले आप चाहें तो माइनस का करें फिर टू का तो मैं डायरेक्ट माइनस टू का करूं माइनस टू का मल्टीप्लाई इस वन में और तो माइनस टू इधर आएगा और ये माइनस टू का मल्टीप्लाई इसमें टू ये समझ में आया कि सबको माइनस टू साइन एक्स माइनस टू टू प्लस टू टेन एड करना है टेन माइनस टू साइन एक्स टेन एड करोगे तो टेन प्लस टू टेन माइनस टू ये हो गया एट ये हो गया वाई you get ट्वेल so y minimum eight, y maximum twelve, and range एट to 12. समझ में आया क्या क्लोज इंटरवल एट टू ट्वेल्व नेगेटिव नंबर का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं अक्षत अच्छा, तो साइन चेंज होता ही है ठीक है अक्षत नेगेटिव नंबर इक्वेलिटी में ये तो इन की प्रॉपर्टी है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन अक्षत है ना जब भी हम नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनक्वेलिटी चेंज होता है चलिए हो गए क्या दोनों सभी के कंप्लीट ओके okay. सभी का कंप्लीट हो गया फिर मैं लास्ट लास्ट में दिखाऊंगा स्लाइड अगर नहीं हुआ है तो बोल सकते हैं सी एटिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन कॉस टू पावर फोर एक्स बाय टू माइनस साइन टू पावर फोर एक्स बाय टू

3 sine x 1 upon 3 sine x plus 1 and f sine x minus 2 हाँ पहले ये करें हाँ, फर्स्ट का आंसर बता रहे हैं आर्यन का सी का सही है रणवीर डी का गलत है नंबर यही बार लिखे तो मैं चेक कर पाऊंगा सी डी ई e, एफ आर्यन का सी का सही है रणवीर आपका डी गलत है सी गलत है किसका आदित्य सी का बताओ देखो एक एक कर एक बताएं सबसे पहले सी का आंसर सी का पर्व का सही है हर्ष वन क्या लिखा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों बताना है ना या तो रेंज बताओ तो मैं उसमें मिनिमम पहले जो लिखी होगी वो मिनिमम समझ जाऊंगा जो मैं नहीं हर्ष वन जीरो वन बिल्कुल रॉन्ग है बिल्कुल रॉन्ग है हाँ हाँ फैक्टर कर लोगे कॉस स्क्वेयर एक्स हाँ, तो आइडेंटिटी कॉस स्क्र एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्स बाय स्क्स बायस एक्स बाई टू हाँ क्या हो गया ये ये वन हो गया और वो कॉस एक्स की आइडेंटिटी बन गई देखो ये वन हो गया साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा वन कॉस स्क्र एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स कॉस टू एक्स होता लेकिन यहां पर एक्स नहीं है एक्स बाय टू है तो टू एक्स के प्लेस पर क्या आएगा एक्स और cos x की रेंज मालूम ही है माइनस cos x 1 से 1 में ही लाइक करता है समझ में आया क्या -1 टू 1 हाँ, आर्यन सोनी ने डी का आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है डी का आंसर आर्यन ने सही दिया है डी का आंसर अभी तक आर्यन ने दिया है इसके पहले और दिया था रणवीर ने वो रॉन्ग था रणवीर आपका रॉन्ग है अनुज आपका भी रॉन्ग है डी हाँ देखो सबसे पहले मैं एक और डी के पहले ये ये बताओ आप तो कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस थ्री एच जी और एच पहले बताएं फिर करेंगे वन माइनस साइन या टू करना टू माइनस साइनसकर थीटा हाँ जी वाला देखे तो कॉशिस्कर थीटा की रेंज मालूम है सभी को कॉशिश्कर थीटा की रेंज जीरो टू वन उसमें थ्री एड करना है ऐड करना है तो ये थ्री और ये हो गया फोर तो मिनिमम थ्री मैक्सिमम फोर और रेंज आपकी आ गई क्लोज इंटरवल राइट हाँ, एच वाला बताए जी एच फिर हम डी की बात करते हैं एच सक्षम लास्ट स्टेप में क्या समझ में नहीं आया थ्री एड किया है लास्ट स्टेप में क्या समझ में नहीं आया है इस ये हमें मालूम थीटा फ्रॉम टू वन थ्री एड कर दिया तो थ्री प्लस ठीक है सक्षम सी में क्या समझ में नहीं आया ये प्लस साइनसकर थीटा वन सक्षम कॉशिस्कर थीटा प्लस साइनस्कर थीटा वन

सक्षम सी आपको समझ में आ गया सी सक्षम सी ये समझ में आ गया ये कॉसेक्स हो गया कॉसेक्स की रेंज आपको मालूम माइनस वन टू प्लस वन सक्षम ठीक है चलिए अब एच बताएंगे पहले एच एच बताएंगे एच एच वन टू थ्री नहीं एच वन टू वन टू टू वन टू टू यस एच में देखें आप साइन थीटा की रेंज लिखेंगे टू माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से देखें माइनस का मल्टीप्लाई देखो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वेयर थीटा तो वन माइनस का मल्टीप्लाई वन में होगा इधर आएगा माइनस वन जीरो में माइनस का मल्टीप्लाई माइनस जीरो जीरो अब टू ऐड करेंगे तो जीरो प्लस टू टू माइनस वन प्लस टू वन तो रेंज आ गई आपकी वन टू टू एच सबको समझ में आया क्या एच अब हम एफ की बात फिर से करते हैं एफ आर्यन आप ई वाला बता रहे हैं यस yes, आपका ई वाला सही है आर्यन का ई सही है डी डी है टू टू थ्री डी का आंसर है टू टू थ्री चलिए ये स्लाइड कंप्लीट हो गई मैं डीई एफ नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रहा हूं एफ नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रहा हूं ये स्लाइड कंप्लीट सभी की सभी एक बार बोल दें कंप्लीटेड तो मैं डीई एफ नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देता हूं डी yes. की बात करें डी क्वेश्चन क्या था वाई इक्वल्स टू टू साइन स्वर थीटा हाँ अब सुनेंगे देखो इसमें गलती क्या की है वो कुछ लोगों ने आंसर दे दिया है जीरो टू फाइव विच इज रॉन्ग आपने बोला कि इसकी मिनिमम वैल्यू भी जीरो ले लेते हैं और इसकी मिनिमम वैल्यू भी जीरोप्ट ले ले। क्योंकि तो लोगे तब ये जीरो मिलेगा और उस थीटा की वैल्यू जीरो तो में सेम है तो थीटा अगर यहाँ जीरो लिया तो यहाँ भी जीरो ही लेना पड़ेगा तो ये तो मैक्सिमम हो जाएगा उसके समझ में आया क्या कंसेप्ट में कहा मिस्टेक हुई है ये समझ में आया क्या सभी को अमोल तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों की अलग अलग मैक्सिमम रख दें मैक्सिमम रख दी दोनों की वन वन तो सम आ गया टू इंटू टू प्लस थ्री फाइव तो हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं ध्यान से सुने मैं ये बोल रहा हूं हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपने इसकी मिनिमम वैल्यू रख दी स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू जीरो तो यहाँ जीरो रख दिया तो टर्म जीरो हो गई और स्क्वायर थीटा की भी मिनिमम वैल्यू बोले जीरो होती है तो दोनों का सम जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा किस जीरो पर जीरो होगा अब आपने अगर थीटा जीरो डिग्री इसमें रखा तो वही थीटा पर भी है। सेम एंगल है ना? तो जीरो डिग्री यहां भी रखना पड़ेगा आपको तो कॉस्ट जीरो मिनिमम नहीं होता कॉस्ट जीरो तो मैक्सिमम हो जाएगा वन समझ में आया क्या तो हमें या तो हम ऐसा एंगल सिलेक्ट कर लें जिस पर दोनों मिनिमम होते हैं या दोनों मैक्सिमम होते हैं वो एंगल रख सकते हैं समझ में आया क्या ओके okay. तो अब फिर हमें क्या करना पड़ा है? या तो पूरे को साइन में कन्वर्ट करो कंप्लीट को, को या तो कॉस में कन्वर्ट करो या कन्वर्ट तो सा, कर लेता हूं किसी एक में कन्वर्ट करो टू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस थ्री कॉस स्क्टा के प्लेस पर वन माइनस साइन स्क्टा सो so, इट बिकम्स डायरेक्ट लिख दू थ्री

समझ में आया क्या सभी को कर सकते हैं उससे भी कर सकते हैं कर सकते हैं है ना भाई थ्री कॉशिस थीटा को ब्रेक कर लेते क्या ब्रेक होता टू कॉशिस कर थीटा प्लस कॉशिस थीटा तो टू साइनसकर थीटा प्लस टू कॉशिस थीटा टू कॉमन ले लेते ले तो साइनसकर थीटा प्लस कॉशिस थीटा वन आ जाता तो अंदर बचते टू प्लस कॉशिसकर थीटा उससे भी कर सकते हैं ठीक है ओके वो भी कर सकते ई क्या था ई क्वेश्चन क्या था वन बाय साइन एक्स प्लस फाइव वन बाय साइन एक्स प्लस फाइव तो साइन एक्स की रेंज माइनस वन से प्लस वन फाइव एड करें साइन एक्स प्लस फाइव तो कितना हो गया सिक्स डायरेक्ट लिख दूं और फोर अब रेसिप्रोकल करना है दोनों सेम साइन के हैं यहां भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इन चेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल करने सिक्स का रेसिप्रोकल वन बाय सिक्स यहां आएगा फोर का रेसिप्रोकल वन बाय फोर तो आपकी रेंज आ गई मिनिमम वैल्यू वन बाय मैक्सिमम वैल्यू वन बाय समझ में आएगा ये एफ पर्व सही नहीं है एफ एफ आर्यन आपका भी सही नहीं चलो पहले ई तक नोट कर लिया तो मैं एफ की बात करता हूं तक नोट हो गया क्या सभी का कंप्लीटेड चलिए मैं एफ देख लेता हूं पहले क्या है एफ वन अपॉन थ्री कॉस एक्स प्लस वन वन अपॉन थ्री कॉस एक्स प्लस वन हाँ तो देखो कॉसेक्स की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन थ्री कॉस एक्स की वैल्यू माइनस थ्री टू प्लस थ्री थ्री कॉस एक्स प्लस वन की वैल्यू वन ऐड किया फोर इधर वन ऐड किया माइनस टू अब मालूम इसमें दिक्कत क्या हो गई ये अपोजिट साइन के ये नेगेटिव है यह पॉजिटिव बीच में जीरो आ रहा है समझ में आया जब सेम साइन के होते हैं जब ए और बी सेम साइन के होते हैं तो रेसिप्रोकल लेते हैं हम तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है right? राइट जब साइन के होते हैं तो नहीं चेंज होता है तो देखो इसको कैसे करना होगा माइनस डिनोमिनेटर में है थ्री कॉश एक्स प्लस होने के लिए थ्री कॉशेक्स प्लस वन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती तो और यहाँ तो थ्री कॉशेक्स प्लस वन की वैल्यू माइनस टू से फोर तक है बीच में जीरो भी आ रहा है पर जीरो नहीं हो सकती इसके डिफाइन होने के लिए तो आप क्या करो माइनस टू से स्टार्ट करके जीरो और दूसरा केस बनाओ थ्री कॉस एक्स प्लस वन की वैल्यू जीरो से लेकर क्या ये समझ में आया क्या सभी को क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता मालूम है क्या सभी को थ्री कॉस एक्स प्लस वन कैन नॉट बी जीरो नहीं तो बाय डिफाइन नहीं ये समझ में आया कि सभी को जो मैंने किया है तो माइनस टू से जीरो ले लिया फिर जीरो से फोर ले लिया जीरो को एक्सक्लूड कर दिया अब ध्यान से देखें हाँ ये माइनस टू नेगेटिव है क्या ये ये नेगेटिव है या जीरो है जीरो से लेस है जीरो पे इक्वल तो लगे ही नहीं नेगेटिव है ये जीरो से कम नेगेटिव नेगेटिव है मतलब नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन के हो गए तो रेसिप्रोकल जब आप करोगे रेसिप्रोकल इस माइनस टू का रेसिप्रोकल माइनस वन साइन चेंज और जीरो का जीरो नेगेटिव जीरो है उसका रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी इधर पॉजिटिव है दोनों तो साइन चेंज होगा फोर का रेसिप्रोकल प्रोकल वन बाय फोर और ये जीरो प्लस है इसका रेसिप्रोकल प्रोकल प्लस इन्फिनिटी हाँ तो फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं वाई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस हाफ यूनियन वन बाय फोर टू इन्फिनिटी हाँ तो क्वेश्चन हमें अगर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो आंसर क्या लिखोगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन रेंज तो सही है रेंज में तो कोई दिक्कत नहीं है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या बताओगे मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी तो मतलब डज नॉट एग्जिस्ट माइनस इनफाइनाइट और मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट ठीक है तो हम माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट कोई नंबर तो होते नहीं है तो हम क्या बोलेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट एग्जिस्ट नहीं है डज नॉट एग्जिस्ट है ना does not exist. Maximum और मिनिमम वैल्यू नॉट एग्जिस्ट और रेंज पूछा जाए तो रेंज तो सही मैं दिखा रहा हूं। पहले ये note हो जाए सभी का जल्दी नोट करेंगे हो गया मैं लास्ट स्लाइड दिखा देता हूं इनको अच्छा जल्दी नोट करो माइनस इनफिनिटी, पहले ये ये लास्ट स्लाइड कर ली क्या अक्षत अक्षत लास्ट स्लाइड नोट कर ली वेदे ही मैं बता रहा हूं हाँ। वेदेही सबसे पहले वेदेही देखो ये जो जीरो है जीरो पे इक्वल साइन तो लगा नहीं है मतलब ये जीरो तो है नहीं जीरो से कम है जीरो से नेगेटिव जीरो से कम मतलब नेगेटिव नंबर तो नेगेटिव जीरो बोल दो उसको कि नियरर टू जीरो बट नॉट जीरो के राइट साइड नहीं जीरो साइड है नंबर लाइन पर तो उसका रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी होगा ठीक है बात समझ में आई क्या यहां वेदेही अगर जीरो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल प्लस इंफिनिटी जीरो से लार्जर जीरो से बड़ा मतलब अगर नंबर लाइन पे ये जीरो है तो हमारा ये जो यहां जो नंबर है वो जीरो के राइट साइड तो उसका रेसिप्रोकल प्लस इंफिनिटी और ये वाला जो नंबर है ये जो जीरो है वो जीरो के लेफ्ट में तो उसका रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी। समझ में आया सभी को जीरो नहीं है पर नियर टू टू जीरो तो है अक्षत। अच्छा, अप्रोचेस टू जीरो तो है ही ना टू जीरो है नहीं निकाल सकते सिमम सा, सा, की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रख के नहीं निकाल सकते यस हां वैभव इसलिए नहीं होगा थ्री कॉशेक्स प्लस वन जीरो होगा तो वाई डिफाइंड नहीं होगा वाई डिफाइंड नहीं होगा रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर जीरो मतलब नॉट डिफाइन इसीलिए तो यहां मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइन आई है डज नॉट बोला ओके ठीक है हाँ दो क्वेश्चन और कर रहे हैं साइन टू दावर फोर एक्स प्लस कॉस्ट टू दावर फोर एक्स साइन टू सिक्स एक्स प्लस कॉस टू दि पावर सिक्स हाँ रेंज बताना है या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना फास्ट करेंगे फास्ट वैभव आपको समझ में आ गया क्या थ्री एक्स थ्री कॉस एक्स प्लस वन नॉट जीरो क्यों है वैभव ओके हर्ष ने आंसर दे दिया जीरो टू टू कैसे दिया वो मुझे नहीं मालूम है ना डायरेक्ट तो देखो बता ही नहीं सकते टू हाँ, पावर फोर एक्स प्लस दी फोर एक्स आइडेंटिटी सबको मालूम है क्या वन माइनस टू साइन स्क मैंने प्रूव कराई है और ये भी बताया कि भाई डायरेक्ट लर्न भी रखो इसको हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी हाँ वाईल्स टू वन माइनस टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड तो कितना हो गया फोर साइन स्क्र एक्स कॉस स्क्र एक्स फ ये हो गया टू साइन एक्स कॉस एक्स हॉल स्क्वेयर हाँ ये आइडेंटिटी बन गई टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स और उसका स्क्वायर समझ में आया क्या यहां तक समझ में आया तो देखो वैसे तो यहीं पे कर सकते हैं कि अब हमें मालूम है साइन स्क्वेयर टू एक्स की वैल्यू साइन टू एक्स मतलब एंगल साइन थीटा जीरो से वन में लाई करेगा हाँ उसमें माइनस हाफ का मल्टीप्लाई माइनस हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो वन में माइनस हाफ का मल्टीप्लाई जीरो में माइनस हाफ का मल्टीप्लाई फिर वन ऐड करेंगे वन ऐड किया इधर वन ऐड किया तो आपकी रेंज आ गई वन बाय टू टू वन मिनिमम वैल्यू वन बाय टू मैक्सिमम वैल्यू वन नहीं वन बाय टू टू वन वन बाय फोर टू वन नहीं आएगा अक्षत अच्छा, अच्छा जे की वैल्यू बता रहे हैं मैं आई की बात कर रहा हूं अभी जी मैं देख लेता हूं वन बाय फोर टू टू आएगा वन बाय फोर टू टू नहीं वन बाय फोर टू वन ही आएगा जे करेक्ट है वन बाय फोर टू वन बिल्कुल सही है जे हाँ ये आई सभी को समझ में आ गया क्या आई वाला क्वेश्चन जे भी देख लें वाईक्वल्स टू वन माइनस थ्री साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स वही टू से फोर से डिवाइड और फोर का मल्टीप्लाई वन माइनस थ्री बाय फोर डायरेक्ट लिख दू साइन स्क्वेयर टू एक्स तो साइन स्क्वेयर टू एक्स की वैल्यू जीरो टू वन माइनस थ्री बाय फोर साइन स्क्वेयर टू एक्स की वैल्यू माइनस थ्री बाय फोर से जीरो वन ऐड करें वन वन एड किया वन माइनस थ्री बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर टू वन बाय फोर टू वन समझ में आ गया कि सभी को कैसे हम बाउंडेडनेस है? हैं बाउंडेडनेस ऑफ टेग्नोमेट्रिक फंक्शंस और गिवन टेग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सप्रेशन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताते हैं कंप्लीटेड सभी का कंप्लीट तो टाइप टू पर आए अभी हमने टाइप वन किया है जिसमें हम रेंज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं यूजिंग बाउंडेडनेस ऑफ टेग्नोमेट्रिक फंक्शंस ओके वन सेकेंड आर्यन बोल चलिए जल्दी नोट करेंगे हो गया आर्यन अक्षत अर्था आदित्य सभी का हो गया चलिए मेथड सेकंड सेकंड मेथड अभी हमने फर्स्ट मेथड पढ़ी है मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू या मेथड टू बोले हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है मैकिंग परफेक्ट स्क्वेयर है ना इन जनरल हम साइन और कॉज के परफेक्ट स्क्र बनाएंगे By making second by making perfect square of sign. और को साइन बाय मेकिंग परफेक्ट स्केयर ऑफ साइन और को साइन है ना तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हमें परफेक्ट स्केर क्यों बनाना है उसका रीजन देखो जैसे मैं बोलूं आपको साइन एक्स माइनस वन बाय टू होल स्केयर इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना है तो आप बता पाएंगे क्या कोसेक्स माइनस टू होल स्केयर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एक्स माइनस वन बाई थ्री की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ साइन एक्स माइनस वन बाई टू होली स्क्वेयर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है ना मिनिमम पहले बताओ फिर मैक्सिमम मिनिमम टू मैक्स बता सकते हैं क्या साइन एक्स माइनस वन बाई टू होली स्क्वेयर जल्दी बताएं साइन एक्स माइनस वन बाई टू स्क्वायर है तो हो ही नहीं सकता नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता अब जीरो के अंदर का नंबर अगर जीरो होगा तो उसका स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा तो साइन एक्स की वैल्यू कब क्या रखें जिससे ये जीरो हो जाए वन बाय टू साइनेक्स की वैल्यू वन बाय टू होती है यस yes, होती है तो साइन एक्स की वैल्यू मिनिमम साइन एक्स माइनस वन बाय टू होली स्क्वेयर की मिनिमम वैल्यू जीरो मिनिमम वैल्यू जीरो परस की मैक्सिमम वैल्यू वन माइनस वन बाई टू वन बाय टू का स्क्वेयर तो वन बाय फोर हो गया लेकिन अगर मैं साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू रख देता हूं माइनस वन माइनस वन बाई टू तो माइनस थ्री बाई टू और उसका स्क्वेयर नाइन बाय फोर वो मैक्सिमम बात समझ में आ गई क्या आर्यन नाइन बाय फोर टू वन बाय फोर तो वैसे भी नहीं लिख सकते नाइन बाय फोर तो वन बाय फोर से ग्रेटर मिनिमम वैल्यू जीरो मैक्सिमम वैल्यू नाइन बाय फोर मिनिमम वैल्यू जीरो मैक्सिमम वैल्यू नाइन बाय फोर क्या ये समझ में आया क्या साइन एक्स माइनस वन बाय टू चलो दूसरे तरीके से बताता हूं अगर हमें साइन एक्स माइनस वन बाई टू होली स्क्वेयर की रेंज निकालना है तो सबसे पहले आपको साइन एक्स मालूम है कहा से कहां तक लाई करता है माइनस वन उसमें से वन बाय टू सब करो तो वन माइनस वन बाई टू वन बाय टू माइनस वन माइनस वन बाई टू माइनस थ्री साइन एक्स माइनस हाफ की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू टू वन माइनस थ्री बाई टू टू वन बाई टू अब आप इसका जब होली स्क्वेयर करोगे होली स्क्र नेगेटिव तो आता नहीं लेकिन माइनस थ्री बाई टू टू हाफ में जीरो आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू जीरो जीरो से और कम तो हो नहीं सकती ना होली स्क्र की वैल्यू हाँ मैक्सिमम कैसे निकालो वन बाय टू का स्क्र वन बाय फोर और नाइन बाई फोर दोनों में से जो लार्जर होगा वो समझ में आएगा कैसे आया जीरो टू नाइन बाय फोर कंसेप्ट समझ में आया ज्यादातर स्टूडेंट्स गलत बता रहे हैं वन बाय फोर टू नाइन बाय फोर नहीं आएगा जीरो टू नाइन बाय फोर ओके okay, चलिए सेकंड बताओ कॉसेक्स माइनस वन बाय टू होल स्क्वेयर नाइन बाय फोर कैसे आश, आशी आशी सोनी मतलब वन बाय टू का स्क्वेयर एक वैल्यू आ रही वन बाय फोर माइनस थ्री बाय टू का स्क्वेयर नाइन बाय फोर लार्जर कौन है वन बाय फोर लार्जर है या नाइन बाय फोर लार्जर बड़ा नंबर कौन सा है नाइन बाय फोर तो ऑब्वियसली स्क्र की वैल्यू देखो अब ये जीरो तो हो ही नहीं रहा है क्यों क्योंकि उसके लिए कॉसेक्स टू होना चाहिए तब जीरो होगा जीरो का स्क्वेयर जीरो कॉसेक्स की वैल्यू टू कभी होगी नहीं ठीक है हो नहीं सकती कॉशेक्स की मैक्सिमम वैल्यू वन होती तो जब मैंने यहां वन रखा वन माइनस टू माइनस वन का स्क्वेयर वन और माइनस वन रखा तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री का स्क्यर नाइन वन टू नाइन वन टू नाइन वन टू नाइन समझ में आया क्या कॉस एक्स माइनस टू होली स्क्र की वैल्यू वन टू नाइन हाँ थर्ड बताएं साइन एक्स माइनस वन बाई थ्री होली स्क्र वन बाय फोर कहां पर वन बाय फोर 1 by 4 से लार्जर नाइन बाय फोर होता है ना वन बाय फोर की वैल्यू पॉइंट टू फाइव होती है नाइन बाय फोर की वैल्यू टू पॉइंट टू फाइव होती है तो मैक्सिमम कौन है दोनों में वैभव वन बाय फोर लार्जर है वन बाय फोर और नाइन बाय फोर में से कौन सा लार्जर है नाइन बाय फोर जब नाइन बाय फोर लार्जर है तो वो रखना पड़ेगा ना जीरो भाई जीरो के प्लेस पर होली स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम वैल्यू माइनस थ्री बाई टू और हाफ के बीच में जीरो आ रहा है ना माइनस थ्री बाई टू और हाफ के बीच में जीरो होती है वैल्यू साइन एक्स माइनस वन तो जीरो का स्क्वायर जीरो होगा ये इस जीरो से और मिनिमम तो हो नहीं सकता ना होली स्क्वायर यस इसकी मिनिमम वैल्यू तो जीरो आएगी कोई डाउट नहीं जीरो आएगी मिनिमम वैल्यू क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू वन बाई थ्री हो सकती है माइनस वन से प्लस वन के बीच में वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री जीरो जीरो मिनिमम वैल्यू जीरो मैक्सिमम वैल्यू जब मैं साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन रख रहा हूँ तो ये माइनस फोर बाय थ्री हो रही है और उसका स्क्वायर सिक्सटीन बाई नाइन आप बोलेंगे प्लस वन रखो प्लस वन पे फोर बाय नाइन ही आ रहा है वन माइनस वन बाई थ्री टू बाई थ्री का स्क्वायर फोर बाय नाइन फोर बाय नाइन और सिक्सटीन बाय नाइन में सिक्सटीन बाई नाइन लार्जर है इसलिए सिक्सटीन बाई नाइन लिखूंगा ठीक है समझ में आ गया क्या तो अब हमें जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उससे हम होलिस्कर बना लेंगे और उसकी रेंज निकाल कर के कॉन्स्टेंट एड देंगे माइनस थ्री बाय टू कैसे वन बाय टू सब्ट्रैक्ट किया है। साइन एक्स की रेंज माइनस हाफ से प्लस हाफ ये लाने के लिए वन बाय टू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वन में वन बाई टू किया वन बाय टू माइनस वन में वन बाय टू किया तो माइनस थ्री बाई टू वेदांश किस पे रहती है ये तो नहीं मालूम पर किसी ना किसी पे तो रहती है ना वेदांश साइन एक्स की वैल्यू वन बाई जब जीरो से पाई बाई टू में जब ग्राफ बनाते हैं तो वैल्यू जीरो से वन होती है तो जीरो से वन में कहीं ना कहीं तो वन बाई थ्री होगी ना किसी ना किसी एंगल पे किसी ना किसी एंगल पे वन बाई थ्री होगी ना ओके चलिए minimum and maximum value of 1 cos square x minus 4 cos x plus 3 एक्स माइनस फोर कॉस एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री कॉस स्क्वेयर एक्स थर्ड कॉस स्क्वेयर एक्स कॉस टू एक्स Cost two X plus three sine X cost two X plus three sine X sine square theta plus cost to the power four theta. ठीक है बच्चों हमें इन एक्सप्रेशन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताना है क्या करना है सभी में बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो y से डिनोट किया हमने लेट y इक्वल्स टू कॉस स्क्र एक्स माइनस फोर कॉस एक्स प्लस थर्टी हाँ तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है सभी को कॉस स्क्र एक्स कॉस एक्स का कोफिशिएंट क्या है फोर फोर का हाफ किया टू टू का स्क्वायर ऐड किया टू का स्क्वायर सब किया परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रोसेस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए माइनस बी स्क्वायर, प्लस इन ये समझ में आया सभी को हाँ चिरायु ने बताया है मिनिमम और मैक्सिमम सही बताया चिरायु आंसर सही है चिरायु सही है वेदे ही सही नहीं है चिरायु का सही है हाँ अब देखो यहां पर कॉसेक्स माइनस टू होलीस्क्र की अभी बताई थी हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अभी निकाली थी हमने कॉसेक्स की वैल्यू टू तो हो नहीं सकती तो ये मिनिमम कभी जीरो नहीं आएगा वन पर वन और मैक्सिमम माइनस वन पर नहीं वन टू नहीं अभी निकाली थी वेदे ही कॉसेक्स माइनस टू होली स्क्र की रेंज अभी हमने निकाली थी वन टू नाइन ठीक है है ना इसको आप देखो अगर ये डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो आप ऐसा भी लिखो उसमें कोई दिक्कत नहीं कैसे लिख सकते हो एक्स की रेंज माइनस वन से प्लस वन हाँ उसमें माइनस टू सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस थ्री कॉसेक्स माइनस थ्री माइनस टू सब्ट्रैक्ट किया माइनस वन अब स्क्वेयरिंग कर दो तो देखो जीरो तो आई नहीं रहा है बीच में जीरो नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं वन का स्क्वेयर वन और थ्री का स्क्वेयर नाइन तो वन टू नाइन क्या करना है एक मिनट कॉसेक्स माइनस एक मिनट कॉसेक्स माइनस टू था ना कॉसेक्स माइनस टू तो कॉसेक्स माइनस ठीक है अब ठीक है बस यहीं पे मिस्टेक लिख दी मैंने टू है ठीक है बच्चों हाँ अब क्या करना है नाइन ऐड करना है कॉसेक्स माइनस टू होली स्क्वेयर प्लस नाइन नाइन प्लस नाइन वन प्लस एटीन क्या आ जाएगी रेंज बाय बिलोंग्स टू टेन टू एट्टीन टेन टू एट्टीन अक्षर मैक्सिमम एटीन मिनिमम टेन चलिए सेकेंड माइनस वन मिनिमम और ट्वेल्व बाई थ्री तो फोर होता है चिरायु ट्वेल्व बाई थ्री लिख रहे हैं आप वो तो फोर होता है मिनिमम चिरायु माइनस वन है और हाथ थर्टीन बाई थ्री सही है चिरायु चिरायु सही है विदुषी सही है तो सभी ने कैलकुलेट कर ली ना ठीक है विदुषी का भी सही है चिरायु का भी सही हाँ हां का आंसर विदुषी और चिरायु ने बिल्कुल सही बता दिया है सेकंड का आंसर मिनिमम वैल्यू थर्टीन माइनस वन और मैक्सिमम थर्टीन बाई विदुषी और चिरायु का सही हां और लोग कर रहे हैं हाँ थर्ड करें थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड फोर्थ जल्दी करें सभी लोग और आंसर से बताएं हिंट क्या सक्षम परफेक्ट स्क्केयर बनाना है हिंट क्या करो परफेक्ट स्क्र बनाओ ये कॉस में है कॉस स्क्र एक्स को साइन में कन्वर्ट कर लो साइन तो कॉस्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि रूट हो में आ जाएगा टू वन प्लस टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस स्क्र एक्स वन प्लस टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस स्क्र एक्स तो देखो इस कॉस स्क्र को साइन स्क्वेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से क्या आ जाएगा वन माइनस कॉस एक्स के प्लेस पर वन माइनस साइन तो वन प्लस टू साइन एक्स थ्री माइनस थ्री साइन एक्स माइनस थ्री साइन स्क्वेयर एक्स टू साइन एक्स वन प्लस थ्री फोर माइनस थ्री कॉमन ले लें तो साइन स्क्र एक्स माइनस थ्री ले लिया तो माइनस टू बाई थ्री साइन एक्स फोर ले ले। अब परफेक्ट स्क्वेयर बनाना है माइनस थ्री साइन स्क्वेयर एक्स माइनस टू बाई थ्री साइन एक्स टू बाई थ्री का हाफ वन बाई थ्री तो वन बाई थ्री स्क्वेयर एड किया वन बाई थ्री स्क्र सब किया प्लस फोर यहां से यहां तक होली स्क्र बन गया देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी ए माइनस बी होली स्क्वेयर माइनस वन बाय नाइन प्लस फोर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस वन बाय थ्री होली स्क्वेयर प्लस माइनस थ्री का वन बाय नाइन इंटू वन बाय थ्री प्लस फोर तो फाइनली ये हो गया माइनस थ्री टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस वन बाई थ्री होली स्क्वेयर थ्री फोर्जा ट्वेल्व और प्लस वन थर्टीन बाई थ्री थ्री फोर्जर ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन बाई थ्री ठीक है समझ में आया है तक तो? अब साइन एक्स माइनस थ्री होलीस्केर साइनेक्स माइनस वन बाई थ्री होलीस्केर राज किया हमने ये है ना रेंज निकाली थी अभी इसकी क्या निकाली थी याद है किसी को जीरो टू सिक्सटीन बाय नाइन ठीक है उसमें माइनस थ्री का इंटू माइनस थ्री का इंटू करेंगे तो माइनस सिक्सटीन बाई थ्री माइनस थ्री का इंटू जीरो फिर थर्टीन बाई थ्री एड करना है है ना बच्चों, देखो माइनस थ्री साइन एक्स माइनस वन बाई थ्री होली स्क्वेयर प्लस थर्टीन बाई थ्री जीरो प्लस थर्टीन बाई थ्री माइनस सिक्सटीन बाई थ्री प्लस थर्टीन बाई थ्री माइनस वन ये y, ये तो रेंज so आ गई माइनस वन टू थर्टीन बाई थ्री थर्ड विदुषी सेंगर ने थर्ड का आंसर दिया है नहीं नहीं विदुषी कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद थर्ड का आंसर और थर्ड अगर किसी ने किया हो तो आंसर दे सकते हैं हाँ पहले ये नोट कर लें श्रेय मिनिमम तो ठीक है मैक्सिमम गलत है थर्ड के आंसर में मिनिमम तो सही है मैक्सिमम रॉन्ग है नहीं दिव्यांश मिनिमम वैल्यू तो सही है मैक्सिमम रॉन्ग है फोर्थ का आंसर हाँ फोर्थ का आंसर मुकुल ने दिया सही है फोर्थ का सही है हाँ ये सेकंड कंप्लीट हो जाए तो मैं लास्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ सेकंड हो गया क्या सभी का जल्दी करो सेकंड है ना तो ये मेथड है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीटेड सेकेंड ये कंप्लीट हो गया तो देखो ये थर्ड का आंसर कॉस टू एक्स प्लस थ्री साइन एक्स मिनिमम वैल्यू तो बताई बताइए मैक्सिमम में कुछ लोगों ने गड़बड़ की है कुछ स्टूडेंट्स ने फोर्थ फोर्थ का आंसर है थ्री बाय फोर टू वन सेकेंड थर्ड फोर्थ हाँ कौन सा करूं सेकेंड तो कर ही दिया है थर्ड फोर्थ में से कौन सा करना है थर्ड फोर्थ दोनों ही नहीं करना आर्यन के हो गए आयुषी बोल रहे हैं फोर्थ चलो मैं फोर्थ बना देता हूं परफेक्ट स्क्वायर चलो बच्चों फोर्थ क्या है फोर्थ क्वेश्चन साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस् टू दी पावर फोर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस् टू पावर फोर थीटा दिख रहा है हा जिनको नहीं हुआ वो देखें देखो साइन स्क्वेयर थीटा को लिख दो वन माइनस कॉस स्क्र थीटा तो वाई इक्वल टू कॉस टू पावर फोर थीटा कॉस स्क्र थीटा कॉस स्क्टा काफिशियंट वन उसका हाफ किया सब्ट्रेक्ट किया ऐड किया तो सब करना पड़ेगा प्लस ये हो गया कॉस स्क्र थीटा माइनस वन बाय टू होली स्क्वेयर प्लस, माँण प्लस वन बाय माइनस वन बाय फोर प्लस वन थ्री बाय फोर तो अब कॉस स्क्र थीटा माइनस वन बाय टू की रेंज कॉस स्क्र थीटा की रेंज जीरो टू वन उसमें से वन बाय टू सब किया तो रेंज हो गई टू वन बाई टू सब किया अब इसका करेंगे जो। करेंगे तो माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच में जीरो आता है तो जीरो का स्क्वायर जीरो और by वन बाय टू का स्क्वायर वन बाय स्क्र थ्री बाय फोर एड करना है इसमें कॉस स्क्र थीटा माइनस वन बाय टू होल स्क्वायर प्लस थ्री बाय फोर एड किया थ्री बाय फोर एड किया तो थ्री बाय फोर प्लस वन बाय फोर इधर भी थ्री बाय फोर एड किया तो, तो थ्री बाय फोर ये बन गया वाई ये बन गया 1 तो रेंज आ गई थ्री बाय फोर टू तो वन बस अब थर्ड आपको करना है सक्षम थर्ड आपको करना है Cos 2X की लगा लेना, उसमें वन माइनस टू साइन स्क्र एक्स और फिर परफेक्ट बनाना सभी का हो गया तो देखो मैं आज प्रैक्टिस दूंगा एक दो वन प्रैक्टिस असाइनमेंट में दूंगा और फिर कल की क्लास के बाद बिगनर बॉक्स सेवन दूंगा हाँ न्यू चैप्टर विल बी प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एसओटी टिग्नोमेट्री का ही चैप्टर है प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और उसके बाद टेग्नोमेट्रिक इक्वेशन थर्ड का आंसर दिखा देता हूं देखो थर्ड का आंसर माइनस फोर टू सेवेंटीन बाय एट चलिए बच्चों तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे देन बाय ओके सी यू